यजुर्वेद में लिखा है कि सूर्य स्थिर नहीं है, सन इज नॉट स्टेशनरी। तो साइंस में जब ये डिस्कवरी हुई कि सन तो एक ही जगह पर है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये पता था कि यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सन इज नॉट स्टेशनरी, वो लोग यजुर्वेद का मजाक बनाने लगे। धीरे धीरे साइंस और डेवलप्ड हुई, एस्ट्रोनॉमी और डेवलप्ड हुई, तो एक और डिस्कवरी हुई कि सन एक गैसियस सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब ये पूरा गैस से बना हुआ है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी और डेवलप्ड हुई, फिर ये पता चला कि सन सिर्फ अपने एक्सिस पर ही रोटेट नहीं करता, सन मिल्की वे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है। मतलब जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, सेम उसी तरह से सन भी गैलेक्सी में घूमता रहता है। तो हजारों साल पहले यजुर्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब सही था।